अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। अनामिक मद्यपी ऑनलाइन समूह का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे आज अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। कल अल्कोहलिज्म इज अ डिजीज, मद्यपाश एक रोग, इस पर मैंने अपने अनुभव बांटे थे दोस्तों, और आज उसी अल्कोहलिज्म से निकलने का एक रास्ता अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मेरे सामने में रखा था, जिसे हम सभी लोग रिकवरी के नाम से जानते हैं, उस पर मुझे आज अपने अनुभव साझा करना है। दोस्तों, बहुत सारे शब्द जो है एए में आने के बाद में मैंने पहली बार सुने थे, उसी में ये एक रिकवरी शब्द था, और रिकवरी का अर्थ क्या है ये भी समझने के लिए मुझे एक काफी लंबा अरसा लगा। 15 साल के अल्कोहलिज्म को लेकर मैं एए की मीटिंग में आया था, और वो 15 साल का अल्कोहलिज्म का सफर शुरुआत के कुछ साल छोड़ दे तो बाकी के जो साल थे दोस्तों, वो किसी गुलामी की तरह थे। एक ऐसी गुलामी कि कोई भी मेरे जैसा खुददार आदमी ऐसी गुलामी को कभी पसंद नहीं करेगा, और खासतौर पे मेरे जैसा जो शराबी है, जो एक बहुत ही इगोइस्टिक इंसान रहता है, जो कभी किसी के सामने में झुकने वाला नहीं, किसी की दो बात सुनने वाला नहीं, लेकिन ऐसा ही आदमी दोस्तों शराबीपन की गुलामी में पूरा फंसा हुआ था, और अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से तहस नहस कर रहा था, मगर उसके बावजूद दोस्तों वो मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो शराब का गुलाम बन चुका है। बोलते हैं कि शराब का आदी हो चुका है। मैं ये जो शराब के लिए पूरी तरीके से पागल बन चुका था, तो शराब मेरी जिंदगी में जब पहली बार मैंने पिया तब मैंने कभी विचार नहीं किया था दोस्तों कि ये शराब मेरा ऐसा हाल करेगी, लेकिन ये भी बात नहीं थी कि मैंने शराब से बर्बादियां देखी नहीं थी। अपने घर में खुद मैंने बर्बादियां देखी थी दोस्तों, मेरे पिताजी शराबी थे, और एक शराबी कैसा बर्बाद होता है, उसके घर को घर वालों को कौन सी यातनाएं सहन करनी पड़ती है, हालातों से वो गुजरते हैं, वो मैं अच्छे तरीके से जानता था। बाहर की दुनिया में भी दोस्तों मैंने शराब पी के लोगों को मरते हुए बर्बाद होते हुए देखा था, लेकिन उसके बावजूद मेरी जिंदगी में शराब आई। वो क्यों आई, किस वजह से मैंने शराब छुआ, और फिर धीरे धीरे शराब मेरी जिंदगी पे हावी होने के बावजूद भी मैं क्यों उससे दूर नहीं हो पाया, मेरी बर्बादियां पहले लोगों ने गिनाई और बाद में मेरी बर्बादियां मैं खुद अपनी नजर से देख रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों मैं मानने को तैयार नहीं, तो ये मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग में आने के बाद में ही मुझे पता चला। खैर, सब तरफ से पूरा बर्बाद होके अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में 2007 अगस्त महीने में मैं आया था, और यहां आने के बाद में ही मुझे पता चला दोस्तों कि जिस तरीके से मैं शराब पी रहा था वो कोई लत या आदत नहीं है, वो एक बीमारी है, अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी, मद्यपाश, शराबीपन। और दोस्तों, इस बीमारी की खासियत ये है कि ये बीमारी, इसमें पड़ने वाला इंसान
इसको आसानी से कबूल नहीं कर पा। एक डिजीज ऑफ डिनायल, नकारने वाला, न मानने वाला, ये सारी चीजें मेरी बर्बादी की जड़ थी। क्योंकि बर्बादियां मैं देख रहा था, लेकिन मैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। लगभग ऐसा कोई भी जिंदगी का फ्रंट मेरी जिंदगी में नहीं बचा था दोस्तों, कि जिसको मैं बोल सकूं कि वो ठीक था। शरीर की हालत, 35 किलो का वजन। जब मैं आया था दोस्तों, तो आज भी जो पुराने लोग हैं, वो मेरी और आज की हालत में फर्क देखते हैं और वो पुराने दिनों को मुझे याद करवाते हैं। गाल अंदर, आंखें अंदर, पेट और पीठ एक, यानी पूरा हवा का झोंका, 35-40 किलो का वजन, आर्थिक स्थिति खराब। मेरे पिताजी के शराबीपन की वजह से पहले ही परिस्थितियां खराब थी और बाद में मैं भी शराबी बन गया, तो मैं तो कोई जिम्मेदारियां लेता ही नहीं था। सारा घर माँ चलाती थी और मैं अपनी हर चीज के लिए घर के लोगों पर डिपेंड था। एक अच्छे व्यवसाय में मैं गया था, उस व्यवसाय को दोस्तों शुरू होने के पहले ही मैंने खत्म कर दिया था, क्योंकि पूरी पढ़ाई के दौरान ही मैं पूरा अल्कोहलिक बन चुका था। आखिरी सालों के जो पेपर थे, एग्जाम्स थी, वो भी मैंने नशे की हालत में ही दी थी। और इसलिए जब मैं उस व्यवसाय में गया तो दारू की बोतल ही लेकर गया था, और बहुत कम समय में मैंने अपना बहुत बढ़िया नाम कमा लिया था कि बेवड़ा है करके। तो दोस्तों, उस व्यवसाय की हालत खराब थी, आर्थिक तंगी, एक एक रुपए के लिए मोहताज, उधारी करने वाला, कर्जे में रहने वाला, मानसिक हालत खराब थी। यानी एक जो कहते हैं सैनिटी, जो हमारे दूसरे कदम में जिक्र आता है, सैनिटी का होशमंदी, जो व्यक्ति मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे स्वस्थ होता है, जो सही क्या है, गलत क्या है, इसके बारे में फैसला ले सकता है अपनी जिंदगी में, उसे बोला जाता है सैन पर्सन। और उस सैन पर्सन के ही विरोधार्थी शब्द है इनसेनिटी, यानी बेहोशी, पागलपन। तो आखिरी दिनों में जो मेरे हाल थे, मैं देख रहा था कि शराब मुझे बर्बाद कर रही है, मैं पूरी तरह हाथ पांव टेढ़े हो जाना, चक्कर आकर गिरना, मुंह के बल पे गिरना, अपमानित होना, तो ये सारी चीजें मेरी जिंदगी में होने के बाद में भी मैं सही और गलत का फैसला नहीं ले पा रहा। पूरी दुनिया मुझे समझा रही, पैदा करने वाले माँ बाप, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, व्यवसाय के लोग, सभी मुझे समझा रहे, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों मैं मानने को तैयार नहीं। यानी मेरी जिंदगी में क्या सही और क्या गलत है, इसका निर्णय जब मैं ले नहीं पा रहा हूं, तो मैं कैसे बोलूंगा दोस्तों कि मैं मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे अच्छा स्वस्थ था। बहुत कड़े शब्दों में लिखा गया है दोस्तों कि हम जो शराबी होते हैं, अल्कोहलिक खासतौर पे, वो मानसिक रूप से रुग्ण भी होते हैं। न्यूरोटिक बोला गया, न्यूरोटिक, मानसिक रोगी। बड़ी मुश्किल से तो हम लोग ये बात कबूल कर लेते हैं कि हाँ, हम अल्कोहलिक है, हम अल्कोहलिज्म के शिकार है, शराबी है, बेवड़े है, लेकिन ये बात फिर भी हम मानने को तैयार नहीं होते कि हम मानसिक रोगी भी है। ये तो बिल्कुल कठोर शब्दों में लिखा गया है दोस्तों, हमारी दूसरी स्टेप में, 12 कदम 12 परंपराओं की पुस्तक में, कि हम अल्कोहलिक लोग न्यूरोटिक भी होते हैं। तो कहीं तो भी मानसिक हालत खराब। मैं अगर अपने पागलपन के किस्से अगर सुनाने बैठूं, तो उसके लिए मुझे अलग से एक घंटा लगता है। कभी मैंने ज्यादा उस पर शेयर किया नहीं,
लेकिन एक शराबी कैसा पागल हो जाता है, कैसे वो होशो हवास खो देता है, कैसे इंसेनिटी में वो आ जाता है। जब मैं अपने दिनों को याद करता हूँ दोस्तों, वो सारी चीजें आज भी याद आती। तो मानसिक रूप से अस्त व्यस्त, हमेशा तनाव में रहना, चिंता में रहना, डरे हुए रहना, कोई खुशी नहीं जिंदगी में। और आखिरी दिनों की शराबी हालत ऐसी थी जो मैं बताता था कि चक्कर आकर मैं गिरता था, हाथ पांव टेढ़े हो जाते थे, तो उसकी वजह से मैं कांस्टेंट फियर में रहता था कि अगर शराब नहीं मिली विड्रॉल्स की वजह से तो मैं चक्कर आके गिरूंगा तो नहीं, हाथ पांव टेढ़े तो नहीं हो जाएंगे। सामाजिक रूप से अस्त व्यस्त, एक पढ़े लिखे लड़के की, अच्छे एक्टिव लड़के की मेरी जो इमेज थी, सामाजिक प्रोग्रामों में मैं हिस्सेदारी थी मेरी, कम समय में कम उम्र में अच्छे अच्छे बुजुर्ग लोगों के साथ में मेरी बैठक थी। लेकिन जैसे जैसे मेरी शराब बढ़ते गई, वैसे वैसे उन सब लोगों से मैं कटते गया। मेरे अच्छे, मुझे चाहने वाले दोस्त, मेरा ख्याल करने वाले दोस्त, उन्होंने मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट करने के लिए भी कई बार कोशिशें की। और एक नॉन अल्कोहलिक फ्रेंड ने तो मुझे एक ही मीटिंग में लाके बैठा दिया था, ए में आने के 5-6 साल पहले की बात थी वो। लेकिन उस वक्त मैं शायद, मेरे नसीब में ए नहीं थी, लेकिन मेरे उस दोस्त ने मेरे लिए ए को ढूंढ के निकाला था। वो सारे दोस्त कहीं तो भी मेरी वजह से परेशान थे, क्योंकि लोग उनको टारगेट करते थे। तो धीरे धीरे दोस्तों ने मेरे से दूर जाना शुरू किया, पड़ोसी ने लग गए, रिश्तेदार मुझे खड़ा नहीं रखने लगे। और जो मेरी एक सामाजिक, मैंने अपनी स्टेटस बनाई थी, एक अच्छा नाम बनाया था, वहां से भी मैं धीरे 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 कटने लगा। आध्यात्मिक रूप से अस्त व्यस्त, हमेशा डरे हुए रहना, हमेशा तनाव में रहना, भविष्य की चिंता, लोगों का डर, शराबी दिन में जो गलतियां हो रही थी उसकी आत्मग्लानि से ग्रसित, अकेलेपन की भावना से ग्रसित, क्या होगा क्या नहीं, कौन सी ये जिंदगी जी रहे अपन। तो आध्यात्मिक रूप से अस्त व्यस्त, भावनात्मक रूप से अस्त व्यस्त, मेरी भावनाएं इतनी उग्र थी, खास तौर पे मैं पिताजी के प्रति पूरी खुन्नस से भरा हुआ था, गुस्से से भरा हुआ था। और फिर वो लिस्ट लंबी होते चली गई। जो लोग मेरे शराबीपन पे सवालिया निशान निशान उठाते थे, उनका गुस्सा हमेशा, कहीं तो भी इस भ्रम में, शक में कि लोग मेरे बारे में चर्चा कर रहे हैं, मुझे बदनाम कर रहे हैं। तो जैसे जैसा भी मुझे लगता था कि ये लोग मेरा मुझे बदनाम कर रहे हैं, मेरे बारे में बेवजह चर्चा करते हैं, मेरे शराबीपन की चर्चा करके मुझे बदनाम करते हैं, उनके प्रति चिढ़, गुस्सा, जो मेरे आगे तरक्की कर रहे हैं, मेरे आगे बढ़ रहे हैं, कई मेरे अच्छे दोस्त सेटल हो गए, शादियां हो गई, काम धंधे से लग गए, मेरा कोई ठिकाना नहीं, तो उनके प्रति जलन से भरा हुआ। तो कई भावनाएं थी, वो भावनाएं भी पूरी भावनात्मक रूप से मैं अस्त व्यस्त हो गया था। और आर्थिक स्थिति तो मैंने बताई दी कि जब मेरे जैसा शराबी 2400 घंटे का शराबी होता है, काम धंधा ना के बराबर, यानी सिर्फ काम धंधे पे जाता भी है तो सिर्फ दारू का जुगाड़ करने के लिए, तो उसकी आर्थिक स्थिति क्या होगी। जब हमारे काम धंधे व्यवसाय ही खतरे में पड़ जाते हैं तो हमारी आर्थिक स्थिति क्या रहेगी। कर्जबाजारी होना, उधारी में रहना, लोगों के सामने में हाथ फैलाना, गिड़गिड़ाना, लोगों के पीछे पड़ना, ये सारी दोस्तों आखिरी दिनों में मेरी पिक्चर थी। एक अच्छी खासी उम्र हो गई थी, शादी होने का नाम नहीं, और पागलपन तो ऐसा सवार था कि वैसी हालत में भी मैं पीने के दिनों में लड़कियां दिखता था और हर बार वहां से रिजेक्ट हो जाता था। अब ये कौन सा और कॉन्फिडेंस था पता नहीं, साला अपन एक तो पट्टी के बेवड़े हैं, तो भी इतनी समझ नहीं आ रही है कि मैं कैसे किसी के घर पे बैठूं, क्या देख के कोई मुझे लड़की देगा, इतने भी समझ बुद्धि मेरे अंदर में नहीं थी। तो मैं अल्कोहलिज्म में भी दोस्तों शादी के लिए लड़कियां देखता था, और वो इसलिए क्योंकि मेरे साथ के बाकी के लोगों की शादियां हो गई, तो लोग बोलते थे कि अरे इसकी शादी कब होगी।
तो और कॉन्फिडेंस, क्या मैं थोड़ी पीता हूँ, पूरी दुनिया पीती है, तो दारू भी पियेंगे, घरदार भी संभालेंगे। और ये तो बहुत अच्छा हो गया दोस्तों कि अल्कोहलिज्म में मेरी शादी नहीं हुई। बहुत सारे लोगों के उदाहरण हम देखते हैं कि घर के लोगों को एक भ्रम रहता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, उनको समझाते हैं, अरे इसकी शादी वादी कर दो, शादी करोगे तो सुधर जाएगा। लेकिन हम अल्कोहलिक लोगों का रिकॉर्ड, मुझे तो लगता है कि 99% जो अल्कोहलिक होते हैं वो शादी करने से सुधरते नहीं है। होगा एक आध व्यक्ति होगा भाई कि शादी करने के बाद में सुधर गया, दारू बंद कर दिया, अच्छी राह में लग गया, लेकिन ज्यादातर शराबी तो दोस्तों कुछ ही दिनों में अपने औकात पे आ जाते हैं। और इसलिए मैं अपने भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने मेरे जैसे शराबी के साथ में किसी और की जिंदगी खराब होने से बचा दी। अल्कोहलिज्म में मेरी शादी नहीं हुई। तो कुल मिला के ऐसी परिस्थितियां थी दोस्तों मेरी। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जब मीटिंग में मैं आया था तो इतने सारे चीजें मैं सोचकर नहीं आया था कि मेरी शादी होगी, लोग मुझे फिर अपना लेंगे, मेरा काम धंधा अच्छा होगा, मैं और बाकी मेरा शरीर अच्छा होगा, मन अच्छा होगा। इतनी चीजें मैंने शुरुआत में नहीं सोची थी। शुरुआत में जब मैं ए में आया था तो मेरा एकमात्र लक्ष्य था, एकमात्र उद्देश्य था शराब से दूर रहना। क्योंकि मैं देख रहा था दोस्तों कि मैं ऐसे द्वंद्व में फंस गया था कि साफ दिख रहा था, होंगे तो मरना तय है, लेकिन दूसरा पार्ट कि दारू नहीं पी मिली तो मर तो नहीं जाऊंगा। ऐसी अवस्था थी दोस्तों मेरी। और ऐसे कश्मकश में मुझे आखिरी दिनों में अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मेरे ही अल्कोहलिक दोस्त की वजह से मिला, जो 2 महीने से दारू से दूर था। और उसको देख के मेरे अंदर में एक आशा पैदा हुई कि यार ये शराब से दूर हो सकता है, इसकी जिंदगी अच्छी हो सकती है, तो मेरी भी हो सकती है। मैंने अपने सारे प्रयत्न करके देख लिया था, मेरा विल। नहीं शेखराज भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शेखराज भाई, आपका आवाज नहीं आ रही है, एकदम ही पहले हो गया। मीटिंग मैंने की, उस पहली ही मीटिंग में मुझे दोस्तों एक आशा मिली, एक स्ट्रेंथ मिली, एक होप मिली कि हाँ मैं एक सही जगह पे आया हूँ। इतने सारे जो लोग शराब से दूर है तो वो मेरे ही जैसे हैं। अगर ये लोग शराब से दूर हो सकते हैं तो मैं भी शराब से दूर हो सकता हूँ। और पहली बार दोस्तों इन अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स में मैंने ये शब्द सुना, रिकवरी। जिस अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी से हम ग्रसित है, उससे जो भी हमारा अस्त व्यस्त हुआ है, जो भी हमारा नुकसान हुआ है, उन सारी चीजों की फिर से पुनर्प्राप्ति करना। और ये हासिल होता है दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने ये जो 12 कदमों का प्रोग्राम मेरे सामने में रखा था, जो 12 आध्यात्मिक उपकरण मेरे सामने में रखे थे, इन 12 कदमों पे जब मैं काम करता हूँ तब जाके दोस्तों मैं इस अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी से पुनर्प्राप्ति रिकवरी को प्राप्त कर सकता हूँ। और खास तौर पे मुझे मेरे पहले आए हुए लोगों ने बोला कि ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी तुम्हारी जिंदगी में कि जिनका जो नुकसान तुमको हुआ है तो शायद उसकी भरपाइयां कभी फिर से न हो पाएंगी। और बात बिल्कुल सही थी दोस्तों, जो मैंने
अपनी जिंदगी में अल्कोहलिज्म की वजह से अपना बेशकीमती समय गवाया है, वो बेशकीमती समय वापस नहीं आने वाला था। जो मैंने लोगों के दिलों को चोटें पहुंचाई थी, उनकी नींदें हराम की थी, उनको नरक यातनाएं दी थी, उन लोगों का भी वो समय फिर से वापस नहीं आने वाला। जो आर्थिक नुकसान मैंने अपना किया था, वो आर्थिक नुकसान भी शायद मेरा पूरा नहीं हो सकता। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये प्रोग्राम मुझे वादा कर रहा था दोस्तों कि आप यहां जो पाओगे आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक ओल्ड टाइमर बहुत बढ़िया अपने शेयरिंग में बोलते हैं, जो मेरे स्पॉन्सर भी है, कि एक अल्कोहलिक इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि दारू पी पी के उसकी कितनी बर्बादी होगी। और सही में दोस्तों, मैंने कभी अंदाजा नहीं लगाया था कि दारू पीने से मेरी कितनी बर्बादियां हो सकती है। ठीक वैसे ही दोस्तों, इस बात का भी एस्टिमेट नहीं लगा सकता कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में वो क्या पा सकता है। रिकवरी तो होती ही होती है दोस्तों, बहुत सारी चीजों की रिकवरी पुनर्प्राप्ति हमारी जिंदगी में होती है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स जिनकी हमने कभी कल्पनाएं भी नहीं की थी, वो एडिशनल बेनिफिट्स भी हमको सोबरिटी के साथ मिलते हैं, बशर्ते कि हम इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करें। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने बिग बुक में 9वें कदम के बाद में 12 प्रॉमिसेस दिए हैं दोस्तों, मगर वो 12 प्रॉमिसेस के ठीक नीचे में लिखा है कि ये जो प्रॉमिसेस ए जो कर रही है आपके साथ में, ये एक्स्ट्रावेगेंट नहीं है, यानी अतिशयोक्ति नहीं है, ये हम सभी लोगों की जिंदगियों में कभी जल्दी और कभी देर से पूरे जरूर होते हैं। लेकिन शर्त एक ही है कि जब तक हम इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये वादे हमारी जिंदगी में पूरे नहीं हो सकते। और पहले ही कदम में दोस्तों मुझे एक्शन मोड पे आना पड़ा। पहले कदम को सुनने और समझने के बाद ही मुझे मेरी बर्बादी की जड़ पता चल गई कि आखिर क्या कारण था कि मैं बार बार शराब के सामने में मुंह की खा रहा हूं, मेरी बर्बादियां हो रही है, मैं मरते मरते बच रहा हूं, और उसके बावजूद दोस्तों मैं मेरे से शराब दूर नहीं हो पा रही। तो पहले कदम के तहत ही दोस्तों मुझे पता चला कि मेरे इस सारी बर्बादी की जो जड़ थी वो था मेरा स्वभाव, मेरा घमंड। एक मेरे जैसा शराबी दोस्तों बहुत ज्यादा इगोइस्टिक रहता है, कूट कूट के उसके अंदर में घमंड भरा रहता है, और यही अहंकार जो है दोस्तों उसके अंदर में एक आई एम डिफरेंट वाली फीलिंग पैदा करता है कि मैं कुछ अलग हूं, मैं बाकी लोगों से अलग हूं, मैं एक विशेष हूं, जो लोगों के साथ में हुआ है वो मेरे साथ में नहीं होगा। जब मैं ए में आने के बाद में इन चीजों को समझने की कोशिश की तो मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर मिले कि जब मैंने अपने घर में खुद बर्बादियां देखा था, बाहर में भी लोगों को मरते हुए देखा था, मैं तो पढ़ा लिखा इंसान था, चार अच्छे लोगों में मेरी बैठक थी, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, फिर उसके बावजूद मैंने शराब को क्यों छुआ, क्यों शराब के पास गया। तो उसके पीछे का कारण एक ही है, मेरा अहंकार। मैं अपने आप को बाकी लोगों से अलग समझता था, और इसीलिए जब दोस्तों धीरे धीरे मेरी जिंदगी में शराब बढ़ते गई, लोग मुझे समझाते गए, तो मैं उनको यही बोलता था, अरे अपना ऐसा है क्या, अपन बाकी के लोगों के जैसे है क्या, इनको तो पीने का तरीका नहीं है, ये तो थोड़ी सी पीते हैं, बहुत ज्यादा की बताते हैं। एक नया ईगो पैदा हो रहा था, देखो बात अपन इतनी पीते लेकिन हिलते तक नहीं। और बाद में धीरे धीरे दोस्तों जो जो चीजें मैंने दूसरों के लिए बोली थी वही चीजें मेरे साथ में भी होने लगी।
जो व्यक्ति बोलता था कि मैं उधार नहीं पीता, तो हर तरफ मेरी उधारी, लोगों के पीछे पड़ना, घर में झगड़े फसाद करना, चोरी करना, टोपियां पहनाना, झूठ बोलना, अपमानित होना, ये सारी चीजें मेरे, उसके बावजूद दोस्तों मैं मानने को तैयार नहीं। पैदा करने वाले माँ बाप समझा रहे, दोस्त समझा रहे, रिश्तेदार समझा रहे, पड़ोसी समझा रहे, काम धंधे पर के लोग समझा रहे, मगर मैं स्वीकार करने को तैयार नहीं। ऐसा अनगिनत बार हुआ दोस्तों कि मैं एक दिन पहले बहुत ज्यादा शराब हो गई, कुछ हादसे हो गए, और दोस्तों मैंने रात को ठाना कि नहीं, अब कल से मैं शराब नहीं पीऊंगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही दूसरा दिन निकलता था, फिर मेरे मन में विचार आता था, अरे यार पहले जैसी नहीं पिएंगे, थोड़ी सी ही पिएंगे, वापस घर में आएंगे, खाना खाएंगे। लेकिन ऐसा मेरे साथ में कभी हुआ ही नहीं। धीरे धीरे मेरी जिंदगी में अस्तव्यस्तताएं हो रही थी, मैं शराबी के नाम से मशहूर हो रहा था, आर्थिक तंगियों का सामना करना पड़ रहा था, अपमान हो रहे थे, लोगों के सामने में गिड़गिड़ाना पड़ रहा था, घर में तूतू मैं होने लग गई थी, पिताजी से डरने वाला इंसान उनसे गाली गलौज करने लग गया था, शराब के बगैर मैं सो नहीं पा रहा था, खाना नहीं खा पा रहा था, दिमाग काम करना बंद कर दिया था। मैं पढ़ाई के दौरान आखिरी साल के जो मेरे एजुकेशन था तो वो मैं शराब पीकर मैंने वो पेपर्स दिए थे, क्योंकि अगर मैंने शराब नहीं पी तो मेरे हाथ कांपते थे, और पेपर छुड़ाने के लिए मुझे शराब पी के पेपर छुड़ाना पड़ता था। तो जिंदगी में ये जो अनमैनेजेबिलिटीज थी, मैं इनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। 2003 में मैं बीमार गिरा, टीवी हो गई, एक पाव से लंगड़ापन आ गया, 11 महीने में बेड पे रहा, मरते मरते बचा। उसके बावजूद दोस्तों 11 महीने के बाद में फिर जब शराब सामने में आई तो मैं उसको ना नहीं बोल पाया, वही फिर पुराना पैटर्न, पहले जैसी नहीं पियेंगे, ब्रांड बदलेंगे, कभी कभार पियेंगे, पड़ोसी ही पियेंगे। तो इसके पीछे में जो जड़ थी वो थी दोस्तों मेरा अहंकार, मेरा जो ईगो है वो मुझे इस बात को स्वीकार ही करने नहीं दे रहा था। और मेरी रिकवरी की जो पहली शुरुआत है वो यहीं से हुई कि कहीं तो भी मुझे अपने ईगो को तोड़ना पड़ेगा, अपने ईगो को बाजू रखना पड़ेगा। अगर मैं शराब से बचना चाहता हूँ, जिंदा रहना चाहता हूँ, तो मेरे पास में 100% सरेंडर के अलावा और कोई रास्ता नहीं। धीरे धीरे पता चला दोस्तों कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये सारा 12 कदमों का जो प्रोग्राम है वो ईगो डिफ्लेशन का प्रोग्राम है। ईगो डिफ्लेशन का यानी मेरे जैसा जो शराबी उसके अंदर में जो कूट कूट के घमंड भरा रहता है, उस घमंड की हवा निकालने का प्रोग्राम जो पहले कदम से स्टार्ट होता है। जो भी अल्कोहलिक दोस्तों अगर शराब पी रहा है, चाहे वो ए में आने के बाद में वो ए का मेंबर क्यों न हो, वो हजार कारण गिनाएगा कि मैं इस कारण से पी रहा हूँ, उस कारण से पी रहा हूँ। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम के हिसाब से उसके सारी बातों का एक ही उत्तर दे सकते हैं हम लोग, कि उसने कहीं तो भी पहला कदम 100% नहीं लिया है, शराब के सामने में अपनी कमजोरी, अपना पावरलेसनेस उसने स्वीकार नहीं किया है, अपनी जिंदगी की अनमैनेजेबिलिटी, अस्तव्यस्तता उसने स्वीकार नहीं किए, इसीलिए दोस्तों वो शराब पी रहा है। बाकी वो हजार कारण गिना सकता है, गम की वजह से पी रहा हूँ, खुशी की वजह से पी रहा हूँ। तो अगर हम बहाने ही करते बैठेंगे तो हम शराब से कभी दूर नहीं हो पाएंगे। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम उन्हीं लोगों के लिए है कि जो शराब बंद करने की इच्छा रखते हैं। अगर मेरी शराब बंद करने की इच्छा ही नहीं है, मैं शराब से दूर होने के लिए किसी भी हद तक, एट एनी लेंथ, अगर मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूं, तो मैं पहला कदम लूंगा ही नहीं, मैं शराब के सामने में सरेंडर करूंगा ही नहीं, मैं अपनी अस्तव्यस्तताओं को कबूल करूंगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों
जैसे ही मैंने पहले कदम पे मेरे पहले आए हुए लोगों के अनुभव सुने, बीमारी सुनी, अल्कोहलिज्म नाम की, उस अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी से मेरी वास्तविकता मुझे पता चल गई और दोस्तों मैंने स्वीकार कर लिया कि हाँ मेरा शरीर बदल चुका है, मैं एक अल्कोहलिक हूँ, मैं कभी भी सीमित मात्रा में पी नहीं सकता और मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। यहाँ मुझे मेरे पहले आए हुए लोगों ने साफ तौर पर बता दिया, किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन दिमाग में अगर रखोगे तो फिर शराब पीने वाले हो। यानी मेरी तो उतनी बर्बादी नहीं हुई हुई, लोगों के बीवी बच्चे छोड़ के चले गए, मेरे तो नहीं गए, मेरी तो शादी ही नहीं हुई, लोगों की नौकरी चले गई, मैं तो कोई गवर्नमेंट का सर्वेंट नहीं हूँ, लोगों की प्रॉपर्टियां बिक गई, लोग सड़क पे आ गए, लोगों के एक्सीडेंट हो गए, अपना तो इतना नहीं हुआ बॉस। या फिर अभी मैं बंद कर देता हूँ लेकिन जैसे ही थोड़ा सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं फिर शराब पी लूंगा। तो इस तरीके के रिजर्वेशंस अगर मेरे मन में है तो मैं अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी से कभी भी रिकवर नहीं हो सकता। ये बीमारी इतनी कनिंग, बैफलिंग और पावरफुल है, इतनी चतुर चालाक, भ्रम में डालने वाली, मराठी में बुचकड़े टकनारा रोग बोलते हैं, और शक्तिशाली है कि इससे अगर मैंने खेल किया तो मेरा खेल होने वाला है। और इसीलिए दोस्तों जो पहला कदम है वो हमारी रिकवरी की बुनियाद है। जब हम शराब से दूर होते हैं दोस्तों, धीरे धीरे दोस्तों हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होना शुरू होते हैं। लेकिन ये जो शराब की दूरी है, फिजिकल सोब्रिएटी, जैसे ही शराब मेरे शरीर से दूर होते जाती है मेरा शरीर अच्छा होना शुरू होता है। कभी एक जमाने में चार रोटियां खाने वाला इंसान, जैसे जैसे शराब बढ़ते गई तो फिर मैं एक और आधी रोटी पे और बाद में नमक चटने के लिए आ गया था, और उसका परिणाम क्या हुआ, शारीरिक रूप से मैं कमजोर होने लग गया था, हड्डियों का ढांचा बन रहा था। लेकिन जैसे ही शराब बंद हो जाती है तो एक और आधी रोटी खाने वाला चार रोटियों पे आ जाता है, जो पैसा शराब में जाता था वो भी बचना शुरू होता है, और कहीं तो भी मेरी शारीरिक रिकवरी भी ठीक होती है। लेकिन दोस्तों ए में आने के बाद में पता चला कि ये अल्कोहलिज्म नाम की जो बीमारी है ये सिर्फ मेरे शरीर को लगी हुई बीमारी नहीं है, ये जो बीमारी है शरीर के साथ साथ मेरे मन को और मेरी आत्मा को लगी हुई भी बीमारी है। आत्मा का मतलब है दोस्तों मेरी पर्सनैलिटी, मेरे व्यक्तित्व को लगा हुआ रोग। और इसीलिए दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो हमारी रिकवरी है वो हर फ्रंट पे होनी चाहिए। मेरा शरीर खराब हो गया था, शारीरिक रूप से मैं अस्त व्यस्त था तो शरीर भी अच्छा होना चाहिए। मैं मानसिक रूप से अस्त व्यस्त था, मानसिक रूप से भी मैं स्वस्थ होना चाहिए। मैं आध्यात्मिक रूप से अस्त व्यस्त था तो आध्यात्मिक रूप से भी मेरी रिकवरी होनी चाहिए। आर्थिक रूप से भी मैं रिकवर होना चाहिए। सामाजिक संबंधों में भी मेरा सुधार होना चाहिए। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये जो रिकवरी जो बोली जाती है तो शुरू शुरू में बहुत सारे लोगों को लगता है कि रिकवरी का मतलब है जो कोई रिकवरी एजेंट होते हैं तो उस तरीके से इसका पैसे से कोई संबंध होगा, और मेरे जैसा शराबी उसका सीधा सीधा गणित होता है कि भाई शराबीपन की वजह से हमारा आर्थिक नुकसान हुआ था, भौतिक नुकसान हुआ था, तो भौतिक तरक्की करना, आर्थिक नुकसान की भरपाई करना यानी रिकवरी। और पैसा दोस्तों सब कुछ नहीं भी होगा लेकिन पैसा बहुत कुछ है। हर व्यक्ति को जीने के लिए, परिवार को पालने के लिए पैसा बहुत आवश्यक चीज है। हर चीज का ढोंग किया जा सकता है पर मराठी में बोलते हैं ना पैसा जो सोंग करता है, इतने पैसों का ढोंग नहीं किया जा सकता। पैसा मेरी गरज है और वो मुझे कमाना ही पड़ता है दोस्तों। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस बोलती है इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमको अपनी आर्थिक प्रगति करनी है, आर्थिक तरक्की करनी है, काम धंधा भी करना पड़ेगा, पैसा भी कमाना पड़ेगा,
लेकिन मैं जिस प्रकार की बीमारी से ग्रसित हूं, अल्कोहलिज नॉट अल्कोहलिज्म, मद्य यानी मद्यपाश नहीं है, अल्कोहल सिर्फ एक लक्षण है मेरी बीमारी, वो है दोस्तों मेरा इजम यानी मेरा व्यक्तिमत्व, मेरी पर्सनैलिटी, मेरा मैपन। और इसीलिए हम अगर पीने के दिनों में भी झाके तो कई बार हमारी शराब बंद होती थी लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद में शराब शुरू हो जाती थी। तो नशा शराब में होता तो नास्ती बोतल। प्रॉब्लम दोस्तों शराब में नहीं था, प्रॉब्लम कही तो भी मेरे व्यक्तिमत्व में, मेरी सोच में, मेरे एटीट्यूड में था, जिसकी वजह से दोस्तों मेरी जो बंद शराब है वो फिर दोबारा शुरू हो जाती थी। सारी मैं बर्बादियां, सारी बदनामियां, सारे बड़े बड़े हादसे भूल जाता था जब शराब सामने में आती थी। और ए में आने के बाद ही इस बात को समझ में आया कि मेरे हर बार जब जब मैं शराब की तरफ में गया तो उसके पीछे में कारण शराब नहीं थी, कारण दोस्तों मेरी सोच थी, मेरी पर्सनैलिटी थी। मेरा घमंड शराब के मामले में नहीं छूटा था, कभी कभी मेरी खुन्नस मुझे शराब की तरफ ले जाती थी, कभी लोगों का बढ़ता हुआ देखकर जो ईर्ष्या जलन मेरे अंदर में पैदा होती थी उसकी बेचैनी मुझे शराब की तरफ लेके जाती थी, कभी मैं महसूस करता हूँ कि मेरी काम वासना जब मुझे बहुत ज्यादा सताती थी उस पर मेरा नियंत्रण नहीं रहता था, उसकी वजह से दोस्तों मैं शराब की तरफ में जाता था। तो मेरे चरित्र के जो दोष है, मेरा सोचने का जो तरीका है, मेरी जो भावनात्मक कमजोरियां है, ये दोस्तों मुझे कहीं तो भी बार बार शराब की तरफ में लेके जाती थी। और इसीलिए दोस्तों अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ शराब की दूरी यानी मेरी अल्कोहलिज्म से मुक्ति हो गई तो मैं बहुत बड़े भ्रम में हूं। और इसी भ्रम को तोड़ने के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने बताया कि आप एक आध्यात्मिक बीमारी से ग्रसित हो, और इसीलिए मेरा जो गोल होगा शराब बंद होने के बाद तो वो है आध्यात्मिक बीमारी को मात करना। जैसे जैसे हम अपनी आध्यात्मिक बीमारी यानी स्पिरिचुअल मेलेडी पे काम करते हैं उससे धीरे धीरे दुरुस्त होते चले जाते हैं, हम मानसिक और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना शुरू होता है। और इसीलिए जब बात आती है आर्थिक प्रगति की तो वहां भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुझे आगाह करती है, पैसा कमाना जरूरी है, काम धंधा करना जरूरी है, लेकिन मैंने अगर अपनी जिंदगी का एम या उद्देश्य सिर्फ भौतिक प्रगति या पैसा कमाना ही अगर कर लिया तो मैं कभी भी फिर शराब के जाने के चक्कर में खतरे में पड़ सकता हूँ। और इन 14 सालों में मैंने दोस्तों अनगिनत लोगों को, जब उन्होंने अपनी सोब्रायटी को प्रायोरिटी के तौर पे नहीं रखा, जब उन्होंने ए के प्रोग्राम पे चल के अपनी आध्यात्मिक प्रगति को अपना गोल नहीं बनाया, जो लोग पैसों के पीछे अंधाधुंध भाग गए, जो भौतिक तरक्की के पीछे पागल बन गए, ऐसे अनगिनत लोगों को दोस्तों मैंने अपनी सोब्रायटी गवाते हुए देखा हूं। कई लोगों ने सोब्रायटी में जान दे दी, सोब्रायटी में सोबर है, आत्महत्या कर रहे, पर दारू पीने वालों की तो गिनती ही नहीं है। अनगिनत लोग, ऐसे अनगिनत लोग हम देख सकते हैं जो दारू तो नहीं पी रहे लेकिन तमाम प्रकार की मुश्किलों में फंसे हुए हैं। तो फिर ये कहां की रिकवरी हो गई? ये सिर्फ फिजिकल सोब्रायटी है, हम शराब से दूर है, लेकिन दोस्तों ये जो अल्कोहलिज्म नाम की जो बीमारी है जिसने सिर्फ मेरे शरीर को ही नहीं, मेरे मन को, मेरी आत्मा को, मेरी भावनाओं को भी ग्रसित करके रखा है, जब तक मैं इन सारे तो मैं ये नहीं बोल काम कर रहा हूं। अगर मैंने किसी भी एक चीज को बहुत ज्यादा महत्व देके उसी को ही फोकस करने की अगर मैंने कोशिश की, जैसा कि आर्थिक प्रगति, इसी के चक्कर में अगर हम पड़ गए, लेकिन ए जो बोलती है कि अपनी आध्यात्मिक प्रगति पे ध्यान देना मेरे लिए बहुत जरूरी है, उसका सीधा सीधा साफ साफ मतलब है कि पुराने एटीट्यूड, पुराने तौर तरीके, पुराना व्यवहार मुझे बदलना पड़ेगा। ए का प्रोग्राम प्रोफाउंड चेंज इन पर्सनैलिटी की बात करता है, अपने व्यक्तिमत्व में आमूलाग्र परिवर्तन।
यानी पुरानी चीजों के साथ में अगर आप आज जीने की कोशिश करोगे, दारू से दूर है लेकिन सारे येड़े चाड़े वही चल रहे, वही पुराने तौर तरीके चल रहे, तो फिर मैं शराब के भी खतरे में हूँ और दूसरी बात कि मैं इस जिंदगी का आज आनंद नहीं ले पाऊंगा। और इसीलिए दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम 12 कदमों की बात करता है। पहले कदम में जब मैं शराब के मामले में हार मानता हूँ तो मुझे फिजिकल सोबरिटी मिलती है, यानी शारीरिक रूप से शराब के मामले में संयम। लेकिन अब मैं अगर मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से रिकवर होना चाहता हूँ तो दोस्तों मुझे कदम नंबर 2 से लेके तो 12वें कदम तक काम करना पड़ता है। दूसरे कदम में साफ तौर पे बोला है दोस्तों, एक इनसेनिटी की बात की गई है कि हम अपने शराबीपन के दिनों को याद करें, तो इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि हम पागल ही थे, पागलपन के शिकार हो चुके थे हम लोग, हमारी हरकतें पागल जैसी थी। एक सेन पर्सन, एक स्वस्थ दिमाग का आदमी बिल्कुल नहीं बोला जा सकता था, खासतौर पर मैं तो अपने आप को नहीं बोल सकता। लेकिन दूसरे कदम में जब मैं अपने अहंकार को बाजू रख के अपनी सीमाओं को समझ के अपनी वास्तविकता को स्वीकार करता हूँ कि ये दुनिया मैं नहीं चला रहा और इसीलिए मैं अपनी जिंदगी को भी ठीक से नहीं चला सकता, क्या सही है क्या गलत है इसकी समझ मेरे अंदर में नहीं है, जो मेरे से पावरफुल ताकत है वही मुझे होश में ला सकती है, तो ये कहीं तो भी दोस्तों एक आध्यात्मिक बदलाव मेरे अंदर में है। इस बदलाव की प्रक्रिया शुरू होती है, पहले शराब के मामले में मेरा एटीट्यूड चेंज होता है, दूसरे कदम में दोस्तों मैं जो अपने आप को दुनिया का भगवान मानता था और सब कुछ मेरे हाथ में है मैं सब कर लूंगा, यहाँ दोस्तों मेरे एटीट्यूड में बदलाव आता है, मुझे मेरी सीमाएं पता चलती है कि मैंने देख लिया अगर ऐसा होता तो ए में आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब मैं दूसरे कदम में अपने से पावरफुल ताकत को स्वीकार करता हूँ वहां भी मेरा घमंड टूटता है और कहीं तो भी मैं इस बात को मानने के लिए तैयार होता हूँ दोस्तों कि नहीं ये मेरे से नहीं होने वाला, मेरे से जो पावरफुल ताकत है वो मेरी जिंदगी में ये सारी चीजें कर सकता है। और दोस्तों मैंने वो अनुभव किया, एक पल शराब से दूर नहीं रहने वाला इंसान अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आने के बाद दारू पीने के विचार आने बंद हो गए, इंसान मैं वही था, बाकी की सारी चीजें भी वही थी, वही दारू के अड्डे थे, वही लोग थे, वही घरदार था, वही बिगड़ी हुई परिस्थितियां थी, लेकिन मुझे दारू पीने के विचार क्यों नहीं आ रहे थे। और शुरू शुरू में तो एक इंसिडेंट ऐसा हो गया, एक जगह मेरी सगाई तय हो गई और सारे गांव को खबर दे के शाम को जब घर पहुंचा तो घर के लोगों ने बोले अरे वो सगाई तो कैंसिल कर दिए, तो मैं तो दोस्तों खड़े खड़े कांप रहा था, लेकिन मेरे अहंकार को चोट पहुंची थी और मैं डर गया था, अरे लोग क्या बोलेंगे, पहले ही तो अपन बेवड़े करके फेमस है, अब सगाई टूटी कितनी बदनामी होगी। देखो बदनामी तो लड़की की ज्यादा होती है, लेकिन मेरे जैसे बेवड़े को मेरी बदनामी ना क्या बात बोले, एक बेवड़ा पहले ही बदनाम है और उसको अपनी बदनामी की चिंता। लेकिन इतना होने के बाद भी मैं खड़े खड़े कांप रहा था मगर दारू पीने का विचार नहीं आया, तो ये मेरी जिंदगी में कौन कर रहा था। तमाम खराब परिस्थितियों में भी दोस्तों दारू पीने के विचार नहीं आ रहे, सवेरे शाम दारू के अड्डे पे जाने वाला इंसान एक ही मीटिंग की तरफ में रास्ता उसके कदम जा रहे हैं, तो मैं कहीं तो भी होश में आ रहा था, जो काम मैं अपनी बदौलत नहीं कर सका वो मेरे से पावरफुल ताकत मेरी जिंदगी में कर रही थी। तो शुरू शुरू में मेरे जैसे नास्तिक इंसान ने कहीं तो भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग को ही अपना हायर पावर माना कि हाँ ये जो मीटिंग है इसमें इतने सारे लोगों की शराब बंद हो सकती है, इनकी जिंदगी अच्छी हो सकती है तो मेरी भी हो सकती है, यही धागा पकड़ के मैं एक ही मीटिंग में आते गया। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे ये जो थोड़ा सा विश्वास है, इस थोड़े से विश्वास की वजह से भी मेरी जिंदगी में जो मैंने परिवर्तन देखे, तो ये जो विश्वास है वो पूरी तरीके से श्रद्धा में बदल गया और मुझे आखिर स्वीकार करना पड़ा कि मेरी जिंदगी में जो परिस्थितियां है, जो खराब अस्त व्यस्तताएं मैंने करके रखी है,
ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं शादी करने की कोशिश कर रहा था, शादी नहीं हो पा रही थी। मैं अपने व्यवसाय को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा था। मैं जो सामाजिक बॉयकॉट झेल रहा था, सोशल बॉयकॉट का शिकार था मैं, वो मैं ठीक करने की कोशिश कर पा रहा था, लेकिन नहीं हो पा रहा था। आर्थिक स्थिति ठीक करने की कोशिश कर रहा था, नहीं हो पा रही थी। तो आखिरकार दोस्तों, मुझे मजबूरी में ही सही, मुझे इस बात को स्वीकार करना पड़ा कि ये सब मेरे बस से नहीं होने वाला, और मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। परेशान होने की बजाय ए के मेंबरों ने यही बताया, भाई तीसरा कदम ले लो, भगवान पे श्रद्धा रखो, जो भी होगा वो करेगा। अपनी जिंदगी में तुम इस बात को अनुभव कर चुके हो कि तुम्हारी जिंदगी की इतनी बड़ी समस्या शराब, वो अगर दूर हो सकती है तो तुम्हारी जिंदगी के बाकी के भी प्रॉब्लम ठीक हो सकते हैं। सवाल सिर्फ श्रद्धा का है। भरोसा रखो, श्रद्धा रखो, धीरे धीरे जैसा बाकी के लोगों की जिंदगियों में चमत्कार हुए हैं, तुम्हारी भी जिंदगी में होंगे। तो कई बार ये प्रोग्राम दोस्तों हमको मजबूरी में लेना पड़ता है, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचता। और दोस्तों, मजबूरी में ही मैंने अपना तीसरा कदम लिया और तुरंत परिणाम निकले था। भविष्य की चिंता थी, जो लोगों का डर था, गायब हो गया और मैं हल्का हो गया दोस्तों। मेरा मन जो है वो पीस ऑफ माइंड से भर गया, अब कोई तनाव ही नहीं बचा। एक हवाले जिंदगी कर दी, और जो भी मेरी समझ की उच्च शक्ति थी, जो भी मेरी समझ का ईश्वर था, उसके हाथ में सब कुछ देने की वजह से कहीं तो भी मेरी सोब्रायटी की राह आसान होने लग गई। तो मैंने देखा दोस्तों कि मानसिक रूप से मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। निगेटिव नकारात्मक विचार आने थोड़े कम हो गए, पूरे तरीके से नहीं गए थे, लेकिन जो हमेशा मैं डरा सहमा तनाव में क्या होगा, फ्यूचर की चिंता रहती थी, लोगों के कर्जे थे वो कैसे दूर होंगे, अपनी हालत जो है वो ठीक होगी या नहीं होगी, बहुत सारे कई प्रकार के चिंताएं तनाव विचार आते रहते। तो मैंने देखा कि मानसिक रूप से मुझे शांति मिल रही है, अंदर से थोड़ा थोड़ा संयम आ रहा है मुझे, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। तो ये एक मानसिक स्वस्थता थी दोस्तों, सैनिटी, जो मुझे दूसरे और तीसरे कदम ने दी। लेकिन दोस्तों, आगे का जो पड़ाव था वो मेरे लिए और ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो ये प्रोग्राम है वो हमें साफ तौर पर बताता है दोस्तों कि हम जिस बीमारी से ग्रसित हैं वो एक स्पिरिचुअल मेलेडी है, आध्यात्मिक बीमारी। और जब तक हम अपनी आध्यात्मिक बीमारी पे काम नहीं करेंगे, तब तक दोस्तों हम हमेशा खतरे में रहने वाले हैं। अगर मैं अपनी आर्थिक प्रगति के पीछे में अगर अपने आप को पूरी तरीके से पागल कर दिया, और मैंने अपने स्वभाव में, अपने व्यक्तिमत्व में परिवर्तन लाने की मैंने कोशिश नहीं की, तो कभी भी मेरा घात हो सकता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम को इसीलिए बोला जाता है दोस्तों कि ये दारू बंद करने का प्रोग्राम नहीं है। मेरी जो दारू आज बंद है, ये दारू फिर दोबारा शुरू न हो, इसका ये प्रोग्राम है। और ये बात बिल्कुल सही थी, ए में आने के पहले कई बार मैंने दारू बंद की थी, कंडीशनली सही, 2 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 15 दिन, 1 महीना, और जब मैं 2003 में बीमार गिरा, टीबी हो गई, तो 11 महीने दारू से दूर था। लेकिन मरण शैया से उठने के बाद में भी तो शराब आई सामने में, फिर मैंने अपना लिया। कई बार मुंह के बल पे गिरा, चेहरे पे रुमाल बांध के रहता था, कई बार मेरे अपमान हुए, और उसके बाद में भी दूसरे दिन शराब सामने में आती तो घटक लेता था। तो मतलब साफ है कि दारू बंद करना मेरी समस्या नहीं है, दारू तो पहले भी बंद होती थी, ए में आने के बाद में भी बंद हो जाती है। लेकिन असली समस्या है दोस्तों कि ये जो मेरी आज शराब बंद है वो फिर दोबारा शुरू ना हो। और इसीलिए दोस्तों बिग बुक चैप्टर 5 में लिखा है, वी हैव टू लेट डाउन, वी हैव टू गेट डाउन दैट कॉजेज एंड कंडीशन। यानी हमको उन कारणों और परिस्थितियों का पता करना पड़ेगा कि जिनकी वजह से हम बार बार शराब की तरफ में जाते थे। जब तक उन कारणों को हम खोजेंगे नहीं, उनको समझेंगे नहीं,
हमारे स्वभाव की जो खामियां थी उनको स्वीकार नहीं करेंगे कि उसकी वजह से हमने क्या क्या पाप किए, क्या क्या गलत धंधे हमने किए, कैसे कैसे लोगों को खून के आंसू रुलाया, सारा कच्चा चिट्ठा अगर जब तक लिखेंगे नहीं और उनको कबूल नहीं करेंगे तो दोस्तों हमको हमारी बीमारी का पता कैसे चलेगा, हमको कैसा पता चलेगा कि हमारे पर्सनैलिटी में वो कौन सी खामियां हैं जो फिर दोबारा जिंदगी में शराब ला सकती है। और इसीलिए दोस्तों मेरी आध्यात्मिक रिकवरी का जो प्रोग्राम है वो चौथे कदम से खास तौर पे शुरू होता है, जिसमें हम लोग हाउस क्लीनिंग बोला गया है, अपनी घर की सफाई। अगर मैं अपने घर में सुख शांति चाहता हूँ, अच्छा वातावरण चाहता हूँ, तो घर में अगर कचरा भरा पड़ा रहेगा तो मैं वहां पे खुश महसूस नहीं कर पाऊंगा, वो गंदगी की जो बदबू आएगी तो मैं कैसे अपने आप को समझाऊंगा कि नहीं मैं तो बहुत खुश हूं। तो घर को जब मैं साफ करूंगा, पूरी बदबू जो है पूरी गंदगी बाहर निकालूंगा, तभी घर में अच्छे तरीके से मैं रह पाऊंगा, तभी घर में मेरा मन लगेगा। और इसीलिए दोस्तों चौथे कदम को बोला गया है हाउस क्लीनिंग। जब मैं अपने घर की सफाई करता हूं कि मेरे अंदर में मेरी पर्सनैलिटी में ऐसी वो कौन सी चीजें हैं कि जिनकी वजह से पिछले दिनों मैंने लोगों का नुकसान किया, गलत काम किए, गलत हरकतें किए, और वही चीजें थी जो मुझे बार बार शराब की तरफ में लेके जाती थी, और वही चीजें है कि जो अब दोबारा भी मुझे शराब की तरफ में लेके जा सकती है। चौथे कदम में जब हम सर्चिंग यानी खोज खोज के और फियरलेसली यानी निर्भयता पूर्वक जब अपना सारा कच्चा चिट्ठा उतारते हैं, पांचवे कदम में जब हम एक अन्य व्यक्ति के सामने में, भगवान के सामने में और अपने आप से जब इन सारे गुनाहों की हम कबूली देते हैं, तो दोस्तों हमको हमारी बीमारी का एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग पता चलता है। दोस्तों अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी से अगर मुझे दुरुस्त बचना है तो ये का प्रोग्राम बोलता है कि आज के एक दिन हमको स्पिरिचुअली फिट रहना पड़ेगा, स्पिरिचुअली अपने आप को रिकवर करना पड़ेगा। स्पिरिचुअली फिट रहना, रिकवर होने का मतलब साफ है कि किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों से आज के दिन मुझे दूर रहना है। और ये सारे नकारात्मक विचार कौन पैदा करता है दोस्तों? मेरे चरित्र के दोष, मेरे स्वभाव की कमजोरियां। मैं दारू से तो दूर हूं लेकिन आज भी मेरे पुराने धंधे सब वैसे के वैसे ही शुरू है, मेरा पुराना स्वभाव आज भी वैसा का वैसा ही काम कर रहा है, आज भी मैं घमंड से भरा हूं, लोगों को डोमिनेट कर रहा हूं, लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखना, लोगों पे हावी होने की मेरी आदत है, लालच, इजी मनी, सट्टा, लॉटरी, जुआ, दो नंबर के काम, काम वासना से पीड़ित हूं। घर की बीवी पे भी मैं बलात्कार जैसा ही हरकतें कर रहा हूं, लोगों से मैं जलन से भरा हुआ हूं, जो भी मेरे आगे बढ़ते हुए दिख रहा है, जो भी प्रगति करते हुए दिखता है, तो अंदर के अंदर मैं आत्मदया से ग्रसित हूं कि साला भगवान मैंने ऐसा क्या गुनाह किया, सबकी तरक्की हो रही मेरी तरक्की नहीं हो रही, ईर्ष्या से भरा हुआ हूं, गुस्सेल स्वभाव, जरा भी मेरे मन के विपरीत हुआ तो भड़क जाना, किसी को कुछ बोल रहा हूं, किसी को कुछ बोल रहा हूं, खुन्नस पालना, जिसने भी अपनी सुनी नहीं, अपने मन के हिसाब से नहीं हुआ तो खुन्नस पाल रहे। तो दोस्तों ये सारे नकारात्मक विचारों से यानी चरित्र के दोषों से भरा हुआ जो इंसान है वो कैसे अपने आप को बोलेगा कि आज के दिन मैं स्पिरिचुअली फिट हूं? और अगर मैं आज के दिन स्पिरिचुअली फिट नहीं हूं तो मेरा गेम कभी भी होने वाला है, मेरा घमंड मुझे दारू पिला सकता है, मेरे अंदर का गुस्सा मुझे दो मिनट में दारू के अड्डे पे लेके जा सकता है, मैं काम वासना को अगर नियंत्रित करने में असफल हूँ, अनैतिक संबंधों में फंसा हुआ हूँ या बहुत ज्यादा सेक्स के बारे में विचार कर रहा हूँ तो हो सकता है कि अच्छा सेक्स करने के लिए दारू के विचार आ जाए, या सेक्स नहीं मिला तो परेशान होकर मैं दारू पी सकता हूँ। मैं अगर जलन से भरा हुआ हूँ उससे अगर मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो भी मैं दारू पी सकता हूँ फ्रस्ट्रेशन में आके।
तो ये सारी चीजें अगर मेरे अंदर में काम कर रही है तो मैं कैसे अपने आप को बोल सकता हूँ दोस्तों कि मैं आध्यात्मिक रूप से रिकवर हो गया हूँ, स्पिरिचुअली आज फिट हूँ। अल्कोहलिज्म नाम की जिस बीमारी का मृत्यु दंड हमको मिला है दोस्तों, भगवान ने सिर्फ आज के दिन सजा माफी दी है हमको, सिर्फ आज के दिन। अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी से जो मृत्यु दंड हमको मिलता है तो उसकी सजा माफी एक ही दिन की होती है, आज के दिन की, कल क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। लेकिन वो सजा माफी भी भगवान इसी आधार पे देता है कि आज के दिन आपकी स्पिरिचुअल कंडीशन कैसी है, और वो स्पिरिचुअल कंडीशन फिट रखने के लिए मुझे प्रोग्राम लेना पड़ता है। स्पिरिचुअल जो लाइफ है वो थ्योरी नहीं है, वी हैव टू लिव इट। अध्यात्म सुनने को अच्छा लगता, पढ़ने को भी अच्छा लगता, इसीलिए दोस्तों ए में भी कोई अच्छी शेयरिंग करता है ना तो शेयरिंग के बाद में हम फोन करेंगे या उससे मिलेंगे, वाह वाह आपकी शेयरिंग इतनी अच्छी लगी, हमको आपकी शेयरिंग बहुत अच्छी लगती। वो ऐसी बात है जो कैसा कोई धर्म गुरु जो प्रवचन करता है और उसका प्रवचन सुनने के लिए अच्छा लगता, और बाद में हम जाते भी है, महाराज आपकी आपका जो प्रवचन था ना बहुत अच्छा लगा, हमारा मन शांत हो गया, तृप्त हो गया। लेकिन यह प्रोग्राम ऐसा नहीं है दोस्तों, स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट थ्योरी। ये स्पिरिचुअल जो जीवन है वो थ्योरी नहीं है, हमको उसको जीना पड़ता है। 12 प्रॉमिस जिंदगी में तभी उतरेंगे, इस आध्यात्मिक बीमारी से हम तभी रिकवर हो पाएंगे जब तक हम इन कदमों को प्रैक्टिस करेंगे। कदमों को प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो सिर्फ शारीरिक रिकवरी रहेंगी, शराब से दूर है, फिजिकल सोबरिटी मिली है, लेकिन ना तो मानसिक रूप से खुश है, ना आध्यात्मिक चित्त शांति हमारे अंदर में है। तो ये जो परिस्थितियां है ये इसे रिकवरी नहीं कहा जा सकता। रिकवरी का मतलब ही है दोस्तों हर धरातल पे, हर स्तर पे रिकवरी होना। सिर्फ आर्थिक रिकवरी को ही अगर रिकवरी मान लिए लेकिन पैसा हैंडल करना नहीं आया तो दोस्तों हम कभी भी शराब पीने के खतरे में है। और इसीलिए आध्यात्मिक प्रोग्राम जब हम लेते हैं, आध्यात्मिक रिकवरी जब हम करते हैं तो दोस्तों उस आध्यात्मिक रिकवरी के पीछे पीछे ही हमारी भौतिक तरक्की भी होती है, क्योंकि अब हमको मालूम है कि जिंदगी में पैसा रहे या न रहे, आर्थिक स्थिति अच्छी रहे या बुरी रहे, हर हाल में मुझे कैसे जीना है, कैसे उसको मेंटेन करना है, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम इस आध्यात्मिक कार्यक्रम के जरिए सिखाता है दोस्तों। तो चौथे पांचवें कदम में मैं उन चीजों के बारे में पता करता हूँ, यानी मेरी बीमारी का डायग्नोसिस होता है। जैसा एक डॉक्टर बोलता है ना, बीमारी का पता करने के लिए भाई एक्सरे निकालना पड़ेगा, सीटी स्कैन करना पड़ेगा, ईसीजी करना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें चौथे पांचवें कदम में होती है और फिर हमको हमारी एग्जैक्ट बीमारी पता चलती है। लेकिन एग्जैक्ट बीमारी पता चलने के बाद में अगर हमने उस पर काम नहीं किया तो वो बीमारी ठीक थोड़ी होने वाली है, उस बीमारी पे काम करना पड़ेगा। लेकिन हमारे चरित्र के दोष ऐसे होते हैं दोस्तों कि हमको उनसे प्यार हो जाता है। क्या होता है यार, थोड़ा सा गुस्सा कर लिए, गुस्सा करना जरूरी है, अगर नहीं इनको फड़काएंगे, इनको सुनाएंगे नहीं तो ये तो सर पे चढ़ जाएंगे। क्या होता है, थोड़ी बहुत अगर हेरा फेरी कर लिए या दो चार पैसे ज्यादा कमा लिए गलत धंधों से, तभी तो करते हैं, और मैं तो ऐसी जगह पे हूं यार, मेरे को करना ही पड़ता है, ये हम जस्टिफिकेशन देते हैं। हमारे चरित्र के दोषों से ही हमको प्यार होता है। क्या हो गया अगर कोई औरत या लड़की हमको खुद ही ऑफर दे रही है तो फिर क्या मैं मना कर सकता हूँ, और मैं तो सब मेंटेन कर रहा हूँ ना, घर वाली भी मेंटेन कर रहा हूँ, मार वाली भी मेंटेन कर रहा हूँ, अपने पास अभी दोस्तों पूरा पावर आ गया। तो इस तरीके से अगर मुझे आज मैं इसका अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये चरित्र के दोष एक आध दिन ऐसे लपेटे में ले लेंगे कि कब मेरी सोबरिटी को तहस नहस करेंगे, या अगर मैंने दारू नहीं भी पी ली तो मेरी जिंदगी में ऐसी परेशानियों को खड़ा कर देंगी कि मैं बोल नहीं पाऊंगा कि मैं एक अच्छी जिंदगी, एक हैप्पी जॉयस फ्री लाइफ जी रहा हूं। तो ए में हमने अनगिनत लोगों को देखा है दोस्तों, शराब से दूर है, ड्राई ड्रंक, सूखा शराबी, बाकी सारी हरकतें, सारे काम जैसे के वैसे चालू है। और फिर ऐसे इंसान कब शराब के अड्डे पे चले जाते, कब अपनी सोबरिटी गवा देते, वो गिनती नहीं है कोई,
कोई सट्टा जुआ लैटरी के चक्कर में दारू पी लिया, कोई अनैतिक संबंधों की वजह से दारू पी लिया, कोई अपने घमंड की वजह से दारू पी लिया, तो कोई शॉर्ट टेम्पर्डनेस गुस्से की वजह से शराब पी लिया, कोई जलेसी में जले जले जा रहा है, मर रहा है। मैं बेचारा, लोग तरक्कियां कर रहे हैं यार, लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं जहां का वहां ही हूँ, इतने साल हो गए सोबराइटी में, कर्जे में ही फंसा हूँ, तकलीफ में ही फंसा हूँ, तकलीफें हैं तो जा ही नहीं रही। तो ये अगर मेरा हाल है तो मैं इस जिंदगी का आनंद कब ले रहा हूँ? ये जो सोबराइटी मुझे मिली है सिर्फ रोने के लिए थोड़ी मिली है। लेकिन जब हम दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम प्रैक्टिस करते हैं तो तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी दोस्तों हम अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं। ए में ऐसे अनगिनत लोग हैं, कई भयानक विपत्तियां उनकी जिंदगी में आई, लेकिन हर विपत्तियों में भी वो सोबर भी रहे और हंसते रहे। सीधी सीधी बात है दोस्तों कि अगर कोई चीज मेरे साथ में घटी है तो या तो उसको हंस के कबूल कर लो या रो के कबूल कर लो। तो जो प्रोग्राम को जीता है वो साफ साफ बोलता है, या तो हंस के कबूल करना है या रो के कबूल करना है। तो फिर भाई रो के क्यों कबूल करूं, हंस के ही क्यों ना कबूल करूं? तो जब मैं हंस के कबूल कर लेता हूं दोस्तों तो मेरी जिंदगी में कोई तनाव नहीं होता। ये जो चीजें है, ये जो भावनात्मक संयम है, इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करने से आता है। चौथे पांचवें कदम में अपनी बीमारी समझने के बाद छठवें सातवें कदम में हम उन चरित्र के दोष, अपने स्वभाव की कमजोरियों पर काम शुरू करते हैं। जिन जिन लोगों को हमने सताया, रुलाया, नुकसान पहुंचाया, उनकी भरपाई करना, माफी मांगना, माफ करना, ये मुझे करना पड़ता है। तब जाके दोस्तों एक इमोशनल स्टेबिलिटी, एक भावनात्मक स्थिरता मेरे अंदर में आती है। जब दोस्तों मेरी जिंदगी में कभी उतार चढ़ाव आते हैं, कभी कोई परेशानी आती है, उसमें बहके मैं फिर शराब की तरफ न जाऊं, या फिर शराब नहीं भी पी लिया तो रोते न रहूं, करके लिए दोस्तों ये जब सारे कदमों से हम प्रैक्टिस करके गुजरते हैं तब हमारे अंदर में एक इमोशनल स्टेबिलिटी आती है। नकारात्मक विचारों से हम दूर रहते हैं और तब सही मायने में हम बोल सकते हैं कि हाँ, हम अब स्पिरिचुअली भी रिकवरी की राह पे है। स्पिरिचुअली रिकवरी जो है दोस्तों, उसका सीधा साफ मतलब है कि तमाम निगेटिव विचार मन में आते रहेंगे, हमारी जो नैसर्गिक प्रवृत्तियां है वो कभी जाने वाली नहीं है, वो तो हावी होने वाली है। लेकिन ए का प्रोग्राम हमको सिखाता है दोस्तों, जब हम एक से लेके नौ कदम तक सारे ये नौ कदम प्रैक्टिस करते हैं, दसवें कदम में रोज के रोज कैसे इसको मेंटेन करना, ये दसवें कदम में हम अपनी डेली रूटीन में 24 आवर्स लिविंग बेसिस पे हम ये कर सकते हैं। एक से लेके नौ कदम तक क्या हमने सीखा उसकी परीक्षा दोस्तों दसवें कदम पे होती है, डे टू डे लाइफ में, कि क्या आज मैं अपने आप को सोबर रख पाऊंगा, क्या आज मैं अपनी भावनाओं पे संयम रख पाऊंगा, क्या आज मैं लोगों के लिए और अपने लिए एक उपयोगी जीवन जी पाऊंगा, इसकी परीक्षा दोस्तों दसवें कदम में होती है। डे टू डे लाइफ में सारा कच्चा चिट्टा खुल जाता है। अगर आज भी मैं वही पुराना एटीट्यूड है, वही पुराने तौर तरीके है, आज भी मैं भावनात्मक रूप से कमजोर हूँ, मेरी भावनाएं मुझ पर ज्यादा हावी है, तो आज के दिन मैं एक अच्छी जिंदगी, अच्छा दिन नहीं बिता सकता। आज के दिन एक जो खुशनुमा जिंदगी या एक खुशनुमा दिन जो है अपने लिए, अपने परिवार के साथ में, वो नहीं बिताऊंगा, क्योंकि मेरे एटीट्यूड में, मेरी सोच में, मेरी भाषा में, मेरे व्यवहार में ही अगर परिवर्तन नहीं आया है तो मैं अपने आप को कैसे आध्यात्मिक रूप से रिकवर बोल सकता हूँ? और अगर मैं आध्यात्मिक रूप से रिकवर नहीं हूँ तो मेरी ये जो नैसर्गिक जो प्रवृत्तियां है दोस्तों, ये कभी भी मेरी विकेट ले सकती है। तो खैर दोस्तों, ये सारा जो प्रोग्राम है ये खास तौर पे जो फोकस करता है तो वो हमारी आध्यात्मिक रिकवरी पे ही फोकस करता है। फिजिकल सोबरिटी हम लोगों को मिली जाती है अगर थोड़ी सी ईमानदारी है, थोड़ा खुला मन है, थोड़ी मन की तैयारी, विलिंगनेस है, तो दारू तो 100% बंद हो ही जाती है ए में। लेकिन ये प्रोग्राम सिर्फ दारू बंद करने का नहीं है, अभी तो शारीरिक रूप से ठीक हुए हैं, लेकिन अगर मानसिक रिकवरी चाहिए, अगर आध्यात्मिक रिकवरी चाहिए, तो कहीं तो भी दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो दो कदम, दूसरे कदम से लेके तो 12वें कदम का जो प्रोग्राम है, 12वें कदम तक,
वो हमको अपनी जिंदगी में उतारना पड़ता है। दसवां, ग्यारहवां और बारहवां कदम हम जिंदगी में तब तक प्रैक्टिस नहीं कर सकते जब तक हम एक से लेकर नौ कदम तक अपनी जिंदगी में इन कदमों को लागू करके बदलाव नहीं लाते। चौथे पांचवें कदम में सफाई ही नहीं होगी, आठवें नौवें कदम में भरपाइयां ही नहीं होंगी, तो कहा दोस्तों हम बारहवें कदम में निस्वार्थ भावना से, पवित्र मन से किसी अल्कोहलिक की मदद कर पाएंगे या अपने जिंदगी के हर क्षेत्र में वो पवित्र मन से निस्वार्थ भावना से हम लागू कर पाएंगे। अगर हमारा स्वभाव ही नहीं बदला तो एए की सेवा में भी दोस्तों हम अपना मतलब ही पन नहीं खोएंगे। एए में सर्विस तो कर रहे हैं, कैरिंग द मैसेज तो कर रहे हैं, लेकिन मान सम्मान की भूख नहीं गई, घमंड नहीं गया। अरे बॉस, अपन तो जिसको भी मैसेज देते हैं ना वो तो सोबर ही हो जाता है। खुद अपने आप को सोबर रखने के लिए भगवान पे और ए के ऊपर में निर्भर है, लेकिन घमंड देखो कि मेरी वजह से लोग सोबर है। ए ए मैं नहीं होता तो ए नहीं होती, ए के ग्रुप मैंने खोले, मेरे हिसाब से चलेंगे तो ए का फायदा होगा। ये हम अलग ही प्रकार का घमंड हमारे अंदर में पैदा होता है जो साफ तौर पे दिखाता है। दोस्तों हम अपेक्षाएं करते हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में या घर में या बाहर में भी, अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो हमारी आध्यात्मिक रिकवरी अगर ठीक नहीं हुई है, अगर हमारी चौथे पांचवें कदम में अच्छे से सफाई नहीं हुई है, तो हम अपेक्षा ही करेंगे कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, वो अनामिकता अनाम रह के करने की बजाय हम मान सम्मान की भूख रखेंगे। हमको अप्रिशिएशन लगेगा कि यार मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा नाम होना चाहिए, लोग मेरी वाहवाही करनी चाहिए। नहीं हुई तो अंदर से नाराज, परेशान, दुखी, घर वाले लोग देखो इतना करता हूँ घर वालों के लिए, दारू नहीं पी रहा हूँ, साले सुनते ही नहीं। ए के मेंबर देखो कितनी मैं सेवा कर रहा हूँ, इस ग्रुप को मैंने कितना बढ़ाया, कितने नए ग्रुप मैंने खोले, कितना मैं दिन रात ए में काम कर रहा हूँ, लोग नाम ही नहीं लेते यार। किसी को अगर मैसेज दे के लाया और उसका बर्थडे है और उसने अगर भूले से मेरा नाम नहीं लिया या मेरे हाथ से मेडल नहीं लिया तो सारी सोब्रिएटी उतर जाती है, सारा जो नकाब चढ़ा कर रखा है वो बिल्कुल वो नकाब ही उड़ जाता है। तो ये जो रिकवरी के जो फ्लेवर्स है, ये दोस्तों जब मैं अपनी जिंदगी में जब जीता हूँ तो वो जिंदगी के अनुभव ही हमको साफ बता देते हैं कि इस प्रोग्राम पे मैं कितना प्रैक्टिस कर रहा हूँ और कितना प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। तो जब मैंने दोस्तों इन चीजों को समझा, इन पर काम करने की मैंने कोशिश की, तो आज मैं देखता हूँ कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 12 कदमों पे काम करने की वजह से सिर्फ मुझे एक फिजिकल सोब्रिएटी ही नहीं मिली, आज मैं बोल सकता हूँ कि एक भावनात्मक स्थिरता, एक भावनात्मक संयम भी इस प्रोग्राम ने मुझे दिया है, जो आर्थिक प्रगति से कई गुना बहुत ज्यादा बेहतर मुझे लगता है। ए में आने के बाद में मैं पैसों के पीछे नहीं भागा, पैसों के अंधी दौड़ में मैं शामिल नहीं हुआ, बहुत तकलीफें मैंने भोगी ए में आने के बाद भी, लेकिन उसके परिणाम आज सुखद है। पैसा बहुत ज्यादा मैंने अगर नहीं भी कमाया हूं, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस 12 कदमों को प्रैक्टिस करने की वजह से एक भावनात्मक संयम, एक भावनात्मक स्थिरता मेरे अंदर में आई है, जिसकी वजह से दोस्तों मैं तमाम विपरीत परिस्थितियों में, तमाम जिंदगी के उतार चढ़ाव में अपने आप को स्टेबल रख पाया। पिछले साल के लॉकडाउन में मेरा 2 साल का लड़का 14 दिन बीमार रहा, 1.5 साल से लॉकडाउन में पूरे काम धंधे ठप थे, आर्थिक स्थिति खराब थी, हेल्थ के प्रॉब्लम, लेकिन मैं इन 1.5 सालों में लगातार ए की मीटिंग में रहा। ए की फेलोशिप ने और भगवान ने मुझे पूरे 1.5 साल निरंतर बिजी रखा। लोगों को मेरी शेयरिंग से कितना फायदा हुआ नहीं मालूम, मुझे बहुत फायदा हुआ। मैं सोबर रहा, मैं भावनात्मक रूप से संतुलित रहा, मैं अंदर से स्टेबल रहा, ये ए में जो मैं इन्वॉल्व रहा इसका एक बहुत बड़ा फायदा है, बेनिफिट है मुझे। तो पिछले लॉकडाउन में मेरा लड़का 14 दिन बीमार रहा, 3 घंटे के बाद, हर 3 घंटे के बाद उसे बुखार आता था, लेकिन मैंने हड़बड़ी नहीं की और कम समय में कम खर्चे में उसका काम हो गया। इस लॉकडाउन में सेकंड वेव में मार्च महीने में दोस्तों मेरा पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव, फिर 13-14 दिन हम पूरा परिवार दोस्तों एक क्वारंटाइन सेंटर में रहे, लेकिन यकीन मानिए बिल्कुल हंसते खेलते रहे। कई आर्थिक तंगी आई,
कई हेल्थ के प्रॉब्लम आए और भी कई प्रकार के सिचुएशंस आई, लेकिन दोस्तों मैं विचलित नहीं हुआ और मैं एक परिवार का मुखिया हूँ। अगर मेरे चेहरे पे 12 बजे है, मैं विचलित हूँ, तो मेरा परिवार भी परेशानी में रहेगा। तो ये एक मिरेकल है दोस्तों कि मैं आया था यहाँ पे शराब की दूरी पाने के लिए, लेकिन मैंने अंदाजा भी नहीं लगाया था। ए में आने के बाद मेरी शादी हो गई, आज 2 बच्चे है, मेरा काम धंधा ठीक है, सोशल बायकॉट झेलने वाला इंसान आज फिर लोगों ने मुझे अपना लिया, और सबसे बड़ी मेरी पूंजी है इमोशनल सोब्रायटी, जो मुझे हर तमाम विपरीत परिस्थितियों में उतार चढ़ाव में भी अंदर से हिलने नहीं देती, स्टेबल रखती है। और उसी की वजह से अगर मैं स्टेबल हूँ तो मेरा परिवार भी स्टेबल रहता है, वो भी मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ देता है। हंसते खेलते हम क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन रहे, मेरा दो साल वाला जो बच्चा है 2.5 साल का हो गया था, तो 2.5 साल का बच्चा, 9 साल की लड़की, माँ, बीवी, मैं, हंसते खेलते हमने वो सारी परिस्थितियां निकाले। तो ये है दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस की असली रिकवरी। आर्थिक प्रगति के लिए इन्हें मनाही नहीं किया है, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने साफ तौर पे कहा है कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के बाद ही हमारी आर्थिक प्रगति पीछे पीछे आती है। अगर हमने आर्थिक प्रगति को सामने में रखा तो हो सकता है कि हमारी सोब्रिएटी भी खतरे में पड़ सकती है। तो बस दोस्तों, ए में रिकवरी के बारे में जो भी मैं समझ पाया और जो भी मैंने अपनी जिंदगी में लागू करने की कोशिश की, आप लोगों के सामने में शेयर किया, आप लोगों ने सुन लिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।